हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रो एक्सपर्ट चैनल और मैं हूं अक्षय अमृत। आज आपके सामने अनबॉक्स करने जा रहे हैं हम सेलो की प्रो लाइन डाइनिंग टेबल। तो फ्रेंड्स, ये है सेलो की प्रो लाइन डाइनिंग टेबल। सुइटेबल है टेंट हाउस या डेकोरेटर्स के लिए, मैरिज और पार्टी हॉल्स के लिए, क्लब्स के लिए, कैंटीन घर के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, सब के लिए ये सुइटेबल है। आप यूज कर सकते हैं इसको। और इसकी डायमेंशन है 710x720x1135 mm। अब मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ, आपको खोल के दिखाता हूँ किस तरह ये दिखती है, कैसी हमको लगती है। लुक फ्रेंड्स, मेटलिक फिनिश में दी है, स्टैंड दिए है, इस तरह से प्रॉपर स्टैंड है इसके, और इसके बदलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह के कुछ स्टैंड हमको मिलते हैं। भाई हम बाकी भी खोल लेते हैं और इसको पूरी तरह इंस्टॉल करके खड़ी करके आपको दिखाते हैं। ये जब हमने अनबॉक्स किया है तो इसके साथ में सपोर्टिंग पार्ट हमको मिलता है, और वो सपोर्टिंग पार्ट किस तरह का है मैं आपको दिखा रहा हूँ। किस तरह का है सपोर्टिंग पार्ट है उसको लगाना होता है, और साथ ही ये तो कुछ डिजाइनिंग मटेरियल है, इस पर सेलो का मोनो बना हुआ है। लेट्स सी अब इसको किस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं, कैसे फिट करते हैं। ये देखिए आप, बहुत ही अच्छी पेंट फिनिश में है, मेटालिक पेंट फिनिश है और स्मूथ है एकदम, मजबूत भी काफी है और स्मूथ। इसको हमने उठा लिया और स्टैंड है दिया है सब तरफ से। इस तरह से हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है, सारे लेग्स इसके लगा दिए हैं, स्टैंड पर इसको खड़ा कर दिया है। तो हमारे पास दो ये जो मोनो है इसमें से एक हम यहाँ पर लगा देंगे और हम इसको खड़ा कर देंगे। एक मोनो हम लगा देंगे यहाँ पर नीचे, और आप देखिए बहुत अच्छी है, अच्छी काफी है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस काफी है, ये जो टेबल टॉप है इसका भी स्पेस है। इसके अलावा हम ये जो कनेक्टर है कुछ यूटिलिटी पर्पस की चीजें यहाँ पर भी रख सकते हैं, और ये अम्ब्रेला स्लॉट है दोनों जगह पर, अम्ब्रेला के हमने लगा दी है। और आप देखिए बहुत इजीली हमने इसको इंस्टॉल किया है, और इजीली हम इसको डिसमेंटल भी कर सकते हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह पर इसको ट्रांसफर करना हो, मूव करना हो, तो इजीली आप इसको डिसमेंटल कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो ये आपके हाउस होल्ड यूज के लिए और कमर्शियल यूज के लिए भी बहुत अच्छी है।